मैं आपका कुलदीप कौशिक आज एक छोटा सा व्लॉग लेके आया हूँ आपके ऊपर कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि टाटा सफारी का जो स्टीयरिंग है वो लेफ्ट की तरफ भागता है। मैंने अभी टाटा सफारी गोल्ड चलाई थी, मैं यूज़ किया था, लेकिन देखिए मैं अभी एक हाईवे पे आ गया हूँ, ये हाईवे है और मैं अभी यहाँ पे इस गाड़ी को क्रूज़ करूँगा और देखूँगा कि क्या मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग, आप भी देखना लाइव होगा टेस्ट ये। और फ्रेंड जितने भी मैं ये एपिसोड बनाता हूँ ये लाइव ही होता है, ज़्यादा मैं इसमें प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, अब मैं इसको छोड़ दूंगा और देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी इस ट्रक, ये जो ट्रक है सामने, इसके बाद मैं गाड़ी अपनी लगाता हूँ। देखिए सामने देखिए मैंने ये गाड़ी को कर दिया है क्रूज और ये देखिए मैंने स्टीयरिंग से हाथ छोड़ दिया है। अब आप देखिए गाड़ी कहाँ जा रही है, यस स्टीयरिंग लेफ्ट में जाना शुरू हो गया है। मैं फिर ट्राई करता हूँ, ये मैंने छोड़ा इसको, अभी देखते हैं। देखिए गाड़ी यस 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 गाड़ी का स्टीयरिंग लेफ्ट में जाना शुरू हो गया है। मैं अभी फिर ट्राई करता हूँ। तो जो भाई लोग मेरा कहते हैं कि लेफ्ट, अब मुझे पता नहीं मेरी टायर का क्या हवा कैसी है, अभी देखिए एयर का प्रेशर मुझे पता नहीं है, वो भी दिखाता हूँ मैं अभी आपको। ये मैंने इसको क्रूज किया हुआ 83 पे, अब देखते देखिए आप जा रही, अब ये राइट पे जा रही है, मैंने सीधा कर दिया उसको। ये आप देखिए, अब देखिए कहाँ जा रहा है स्टीयरिंग, अब स्टीयरिंग मेरा राइट पे जा रहा है। अब मैंने फिर को किया, अब आगे कोई टर्न आ गया है और मैं इस गाड़ी को मोड़ दूँ, कभी राइट में, मतलब मैं ये नहीं, अब लेवल चेक करना पड़ेगा क्योंकि राइट में भी जा रहा है लेफ्ट में भी जा रहा है, ऐसा नहीं सर लेफ्ट में भाग रहा है। फिर ट्राई करते लो आगे, ये मैंने स्टीयरिंग को अभी मैंने हवा दिखा, मैंने छोड़ दिया स्टीयरिंग को, ये देखिए अभी इसका एयर प्रेशर चेक कर लेंगे। अब देखिए स्ट्रेट जा रहा है, अब स्ट्रेट जा रहा है, अब थोड़ा देखिए लेफ्ट टर्न शुरू हो गया, यस फिर मैं करता हूँ इधर लेफ्ट में तो जा रहा है फ्रेंड, ये यस गोइंग, अभी फिर ट्राई करता हूँ यहाँ पे मैं लेफ्ट में टाटा सफारी का स्टीयरिंग, अभी मैं इसको ये मैं आ गया हूँ। देखिए फ्रेंड मैंने फिर छोड़ दिया है, अभी राइट की तरफ भाग रहा, देखिए करो करते हैं फिर अभी आपको टायर का प्रेशर दिखाता हूँ, हो सकता है कि दोनों टायरों का जो प्रेशर है अभी दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखिए इस लेफ्ट वाले का 41 है 37, तो दोनों में 4 पॉइंट्स का फर्क है। थोड़ा सा लेफ्ट में जाता तो है, देखिए सी अब ये बिल्कुल सही जा रहा है, अब ये राइट में भाग रहा है, सीधा नहीं चलता, मतलब सीधा नहीं चलता, शंकर नहीं चलता, इसे पकड़ना ही पड़ता। अब देखिए बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है ये, नाउ इट इज गोइंग स्ट्रेट, नाउ फिर लेफ्ट जा रहा है। तो आज ये मैं अपने इसलिए करके दिखा रहा हूँ आपको, ये देख लीजिए इधर 48 है 40 है 30 है, लेकिन ये थोड़ा सा लेफ्ट में जाता है, पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल लेफ्ट भाग जाता है, हल्का सा ये लेफ्ट की तरफ जाता है, ये देखिए जो फ्रेंड जानना चाहते थे कि ये लेफ्ट जाता है, आप देख ले खुद देखिए, आप देखिए मैंने हाथ पकड़ लिए हैं, अब ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, अब राइट ही लगा था क्योंकि स्ट्रेट जा रहा था ये। तो फ्रेंड ये सही बात है कि ये थोड़ा लेफ्ट में जाता है। तो फ्रेंड आज का व्लॉग मेरा इसी बात पे था, यस थोड़ा सा ये लेफ्ट जाता है, पता नहीं अलाइनमेंट आउट है या क्या है, यस टाटा सफारी जो हमारी सबकी जेती है थोड़ा सा स्टीयरिंग इसका लेफ्ट में जाता है, पर इतना जाता कि आपको फील होता है जब आपका स्टीयरिंग पे हाथ होता है ऐसे करके, फिर ये आपको पता नहीं चलता कि लेफ्ट जा रहा है कि राइट, फिर तो आपको कंट्रोल करना ही पड़ता। वैसे भी स्टीयरिंग को आपको पकड़ के चलाना होता है, कभी भी आप स्टीयरिंग को खुला नहीं छोड़ते हो। तो फ्रेंड अगर आपको मेरा ये छोटी जो शेयरिंग मैंने इसलिए की है क्योंकि काफ़ी लोग इस बारे में पूछ रहे थे, अच्छा लगता तो लोगों से शेयर जरूर करना, शेयर करते हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।
थैंक यू वेरी मच आपका कुलदीप कौशिक। जय हिंद जय भारत।